नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के गोल्डन वीज़ा के बारे में। जी हाँ भाई, इंडिया के लोगों को गोल्डन वीज़ा मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है अपने देश के लोगों के लिए कि भाई हमारे लिए कि भाई गोल्डन वीज़ा में इंडियन लोगों के नंबर आ रहे हैं। आपको पता है यूएई सरकार ने पिछले 2021 में ही गोल्डन वीज़ा का सिस्टम स्टार्ट किया है। गोल्डन वीज़ा अगर आपको पता तो लगभग होगा, नहीं होगा तो बता दूँ, जो अच्छे प्रोफेशन होते हैं साइंटिस्ट या मान लीजिए अच्छे जो चित्रकार हो गए जो धावक होते हैं या फिर साइंटिस्ट डॉक्टर वगैरह होते हैं जिनके पास फर्स्ट ग्रेड की डिग्री होती है बड़े पद पे, जो लोग दुबई में रह के उन दुबई का विकास कर सकें, उनके सहयोग भागीदार बन सकें, उन लोगों को गोल्डन वीज़ा दुबई सरकार भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें 10 साल की वैलिडिटी होती है। एक साल एक बार वीज़ा लग गया, 10 साल तक वो एक तरह से VIP जिसको बोल सकते हैं, वो यात्री होता है वहाँ का, एक टूरिस्ट जिनको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। जी हाँ, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, 3 लोगों को अभी गोल्डन वीज़ा मिले हैं वे सरकार की तरफ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो हॉलीवुड के एक्टर हैं संजय दत्त जी, हाँ उनको गोल्डन वीज़ा वहाँ की सरकार ने दिया है। जो पहले बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है जी। अब संजय दत्त 10 साल तक दुबई में आ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, कुछ भी वो अपना काम कर सकते हैं, 10 साल तक उनको गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने खुद भी ये बात शेयर की थी। जी हाँ, सेकंड पे हम बात कर लेते हैं भाई, ग्वालियर की रितिका को मिला है जी हाँ गोल्डन वीज़ा। ग्वालियर की जो बेटी है चित्रकारिता में, 10 सालों से वो यूएई में रह रही थी, उनको वहाँ की सरकार ने गोल्डन कल्चरल वीज़ा दिया है। मैंने आपको पहले बताया था चित्रकार से रिलेटेड होते हैं, उनको भी वीज़ा वो सरकार देती है, तो 10 साल का उनको वीज़ा मिला है और 10 साल तक आराम से उस वीज़ा पर रह सकती हैं। जी हाँ, हालांकि ये 1000 लोगों का एक सिस्टम बनाया गया था कि भाई 1000 लोगों को हम वीज़ा देंगे, जो लगभग 200 कंट्रियों के लोग हैं उसमें 1000 लोगों को, उसमें टॉप 500 लोग थे जिनमें इन लोगों को रितिका का नाम आया। जी हाँ, तो ये एक अच्छी बात है इंडियन लोगों के लिए कि भाई उनको 10 साल का गोल्डन वीज़ा वहाँ की सरकार ने प्रोवाइड करवाया। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो भारतीय छात्रा है तस्नीम, जी हाँ तस्लीम असलम, उनको भी गोल्डन वीज़ा मिला है। और उनकी तो भाई बात ही छोड़ दो आप, केरल की रहने वाली बच्ची है, विद फैमिली वहाँ पे रहती है। वो बता दूँ इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है कि उनको 2031 तक 10 साल का ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। कॉलेज कर रही है अभी वो बच्ची, तो बता दूँ कॉलेज में प्रथम जो क्लास है उसमें फर्स्ट आई है वो, पूरी क्लास में जैसे 200 बच्चों के करीब थे, 200 छात्रों के, 72 कंट्रीज़ के लगभग 200 छात्र थे उसमें, यानी 72 देशों के लोग रह रहे, 200 छात्र थे, उनमें एक इंडियन बच्ची को वो वीज़ा मिला है जो पूरी क्लास में फर्स्ट आई है। जी हाँ, 2031 तक वो आराम से 10 साल तक रह के वहाँ पे पढ़ाई करें, जॉब करें या कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है। तो ये एक अच्छी बात है इंडियन फैमिली के लिए, इंडियन लोगों के लिए। तो अभी इन लोगों को जो गोल्डन वीज़ा मिला है मैंने आपको बताया, आप भी हो सकते हैं गोल्डन वीज़ा धारक। अगर आप में कुछ क्वालिटी है, अलग अलग 8 से 10 कैटेगरी के आपके पास कोई योग्यता है, तो आप वो वीज़ा ले सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।